अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़हीर अहमद, बट मैं नूरानी मेद का सेक्रेटरी होते हुए आप बुज़ुर्गान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि ईद का रमज़ान महीना तो गुजर गया है, ईदुल फितर की नमाज है, इंशाअल्लाह ईदुल फितर की नमाज आप लोग ईदगाह में जाके पढ़ें, ईदगाह को खाली ना छोड़ें। हाँ, इमरजेंसी के लिए मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है, मगर ईदगाह में पढ़ें। यहाँ तो RSS BJP जो तो बजरंग दल वाले हैं मस्जिद और मदरसों को निशाना बना रहे हैं, और ईदगाह को भी मनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ईदगाह सब साल में एक बार भरें ताकि नमाज वहाँ पढ़े। तो क्या सर अगला निशाना BJP का ईदगाह पर रहेगा? रहेगा इंशाल्लाह। वो तो उनको बोल नहीं सकते कहाँ पे निशाना कर रहे हैं, कभी मस्जिद करते हैं, कभी मदरसा करते हैं, कभी ईदगाह पर करते हैं। आप लोग हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, इंशाल्लाह आप लोग इस्तेमाल करें ईदगाह। ईद उल फितर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ईद उल फितर की मुबारकबादी ना केवल मुसलमानों को दे रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के अवाम को दे रहा हूँ। देखो, ईद जो भी ईद है वो सबकी ईद है। अब ईद इज नथिंग बट सेलिब्रेशन, पीस, हारमनी, और हम हिंदुस्तान में चाहते हैं कि अमन रहे। गरीब जो रोड पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गरीब जो डेली वेजेस पे जी रहे हैं, उनका हम सोचना है। अगर अमन रहे तो ये सब जी लेंगे, आपकी मदद नहीं चाहिए। तो हम ये अपील करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पीस, हारमोनी, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड होना, और ईद ग्रीटिंग्स मैं ना केवल हमारे मुस्लिम भाइयों को दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अवाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मैं ईद मुबारक बोल रहा हूँ। मैं तमाम दुनिया के मोमिन मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के घर का दीदार बार बार आप सबको नसीब फरमाएँ।